अमृतसर में बीते दिन कुछ युवाओं की ओर से एक स्कूल में घुसकर एक सिख युवक आकाशदीप को पीटने का मामला सामने आया है। वहीं यह सारी घटना वहां पर लगे स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पीटने वाले युवक की ओर से सोशल मीडिया पर उस युवक के साथियों को धमकी भी दी गई। वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की पहचान हो चुकी है। वहीं आकाशदीप के प्रवाहित सदस्यों का आरोप है कि उनके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी उस युवक की ओर से दी गई है। अमृतसर के सिविल अस्पताल के बिस्तर पर यह लेटा हुआ लड़का आकाशदीप है। उसे क्यों इतनी बुरी तरह से पीटा गया, उसको और उसके माता पिता को यह बिल्कुल नहीं पता। वहीं यह घटना 15 जनवरी की है और इस घटना की सीसीटीवी भी सामने आई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा रहा है कि किस बेरहम से आकाशदीप को पीटा जा रहा है। वहीं आकाशदीप के पिता गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उसके बेटे की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है और उनका बेटा किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन पता नहीं है कि उनके बेटे को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा गया। वहीं जिस लड़के के द्वारा उनके बेटे को पीटा गया, उसने उनको धमकी भी दी है कि अगर वह पुलिस के पास गए तो वह उसको जान से भी मार देंगे। वहीं उन्होंने इस बारे में पंजाब सरकार को भी लिखने के लिए कहा है कि वही आकाशदीप जी की माता का भी रो रो कर बुरा हाल है और उनको यह भी नहीं पता कि उनके बेटे को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा गया। वहीं गुरप्रीत सिंह का कहना है कि स्कूल प्रशासन की ओर से उन बच्चों के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी है और पुलिस अपनी कार्रवाई ज़रूर करेगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उन्हें सीसीटीवी कैमरे की वीडियो मिली थी, उसके बाद वह अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में गए और उन्होंने आकाशदीप से बात करने, लेकिन वह अभी बयान देने के लिए फिट नहीं था। लेकिन पुलिस के द्वारा आईटी एक्ट के अधीन जो धमकी युवाओं की ओर से दी गई है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आकाशदीप के सीने पर और एक बाजू तोड़ी गई थी, इसलिए जो बनती कार्रवाई है वह की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस लड़की ने आकाशदीप पर हमला किया था उसकी पहचान हो चुकी है, पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर अपनी कार्रवाई करेगी। अमृतसर से धर्मवीर गिल्लाली, आजाद टीवी। ये प्लस टू पढ़ता है, की गल की सारी दस साडे बच्चे दी किसी ना कोई झगड़ा नहीं हैगा। वो चाहे हाफ टाइम स्कूल दे विच रोटी खा रहा सी, पिछों दी बच्चे आए आ, बच्चे ने खिच के धू के इन्हें मार कटाई की है। साडा किसी ना कोई झगड़ा नहीं है, साडा बच्चा बहुत वधिया बच्चा, पढ़ाई वाला बच्चा, स्कूल दे विचों पता किया जाए। अज तक 10th तक फस्ट डिविजन आता रहा ये बच्चा, कोई साडा वैर नहीं है किसी नाल। बाकी है कि उन्होंने किसी ने की गाइडनेस है इस पास आप नहीं कह सकते। एक फोरेस्ट स्कूल की वीडियो फुटेज वायरल हुई है जिसे एक बच्चा हैगा आकाशदीप प्लस टू का स्टूडेंट है, उन्होंने कुटमार हो रही है। वो हैगा स्कूल की कंटीन के अंदर भी हैगा तो स्कूल के बाहर भी हैगा, वो हैगा एक मामला जिसके आधार पर साढ़े को वीडियो फुटेज के आधार पर असं उत्थे तक पहुँचे हैं। चैक वर्क किया, वह मैडिकल भी आया जिद जो जिस आधार से अं बनती कार्रवाई कर रहे हैं। सर जो एक थ्रैड भी दे रहा लड़का फिर दोबारा कि मैं दो लड़कियों को और भी दोबारा पिटा, क्या उन्होंने अरेस्ट करने की असं ये चैक कर रहे हैं कि इन्हों की बेसिकली झगड़े का कारण की है, कारण इतों तक क्यों पहुँचा, इतों तक नॉबत क्यों आई है। असी जे जो लड़का वीडियो वायरल से आया आइडेंटीफाई हो गया, गुरसिमरन ने नाँ है ते दूजा एक मनरोज सिंह जिहड़े जिहड़े मुंडियां कोलों पुछगिछ तो पता लग गया। असीं कार्रवाई कर रहे हैं, परचा दर्ज कर रहे हैं, तदों कार्रवाई कर रहे हैं।